हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, आपके पर्सन क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड का नाम लिया और मून का कार्ड आ गया। देन वी हैव डेथ। ओके, वी हैव द सन, सन एंड मून, टू मोर कार्ड्स, स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड एंजल्स, हैरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर, वी हैव हैरोफेंट, दैट मीन्स मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी है। तो अगर आप सिंगल हैं, तो आपके पर्सन अगर सिंगल हैं, तो यहाँ पर ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनका किसी तरीके का कोई अफेयर है या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो एनर्जी है, यहाँ थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जी मौजूद है। तो आपके पर्सन की लाइफ में चाहे पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको क्या करना है, और ये जो डिसीजन है, ये एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन का विजन दर्शा रहा है। कुछ तो बड़ा चेंज होने वाला है, और ये जो चेंज है, ये बहुत पावरफुल चेंज है, बिकॉज वी हैव ए स्ट्रेंथ कार्ड। साइन बता दूं, यहाँ पर वी हैव कैंसर, पाइसेस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। मून से रीडिंग शुरू हुई है, क्यों आया है मून का कार्ड? आपके पर्सन इमोशनली बहुत अपसेट है। मून के बाद डेथ है, यहाँ से टावर है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ सिचुएशंस ख़त्म कर दी हैं, स्पेशली रिलेटेड विद थर्ड पार्टी, जहाँ पर ये अटके हुए थे। तो काफ़ी लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज हो गई है गाइस। यहाँ थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में ये भी आपको दिखे कि उनकी मदर या फादर कोई बहुत बीमार हैं या हॉस्पिटलाइज हैं, इस तरह की खबरें भी आपको मिल सकती हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से एक तरह से कम्प्लीटली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। सन का कार्ड क्यों आया है? स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सन रिप्रेजेंट एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन लिए हैं अपने प्यार के लिए, केयर फ्री होकर बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, एंड सन ऑल्सो रिप्रेजेंट न्यू बिगनिंग, अबंडेंस। तो आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। बहुत समय से ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब वो सही समय आ गया है गाइस। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं और इनको पता है कि किसको प्रपोजल देना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके लिए ये जीना चाहते हैं।
हैरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, सक्सेस की एनर्जी है कि आपके साथ ही शादी होगी, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, सिचुएशन बैलेंस में है। आपके पर्सन खुद मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। सिर्फ मैसेज तक की एनर्जी नहीं है, क्योंकि हैरिफेंट को क्लैरिफाई किया है मैसेज एंड सक्सेस ने, तो शादी से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। क्लेम करें इस एनर्जी को। हर्मिट क्यों आया है? काफ़ी कार्ड्स आना चाह रहे हैं हर्मिट के लिए, और कोई कार्ड आना चाह रहा है? देखिए, आपके पर्सन क्यों हर्मिट मोड में है, मतलब आइसोलेशन में क्यों है, क्यों किसी से बात नहीं कर रहे, क्यों अकेले रहना चाह रहे हैं, इसके लिए काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो ये इमोशनली बहुत अपसेट हैं, सफरिंग में हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ से ये निकलने का डिसीजन लिए हैं। बहुत स्ट्रेंथ लगी है इनको ये डिसीजन लेने में, और इन्होंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है। ये लव लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेंथ है, लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन है। जय राधे कृष्णा। कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, इंडिपेंडेंट होकर ये डिसीजन लेना था इन्हें बिना डरे, तो इन्होंने इसलिए बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है या इमिजिएटली लेंगे। ये सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है अभी इस वक्त। आइए देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? मैसेज तो 100% आएगा गाइस, बिकॉज दो बार आ चुका कार्ड, तो डेफिनेटली मैसेजेस आएंगे। मैसेज को क्लेम कीजिए, एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेम कीजिए। 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे, काफ़ी लोगों के पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे बिना किसी से डरे। यस, जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यस, बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ये डोर है और आपके पर्सन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं केयर फ्री होके। द फूल की एनर्जी है। वन मोर कार्ड, दो कार्ड हैं। पहला हमारे पास है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम फर्टिलिटी, थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं 100%। यहाँ पर आने वाले 26 घंटे 26 आवर्स काफ़ी लोगों के पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ से डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है और डेफिनेटली इन्होंने एक माइंडसेट बनाया है, एक निर्णय लिया है और उस निर्णय पर अब ये स्टैंड लेंगे। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं? ये सन की एनर्जी है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि इनको आपके साथ ही फैमिली बनानी है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इन्होंने ये बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। काफ़ी लोगों को 717 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, या फिर 919, 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है इस दौरान में। इसके अलावा 144, क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी? आपके पर्सन या तो बैलेंस क्रिएट करेंगे या थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना लेंगे, ये चीज़ें हैं। सो ये है गाइस इमीडिएट एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। 8 नंबर है तो ये एनर्जी मैक्सिमम 26 आवर्स से 8 दिन की हो सकती है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए अभी इस वक्त क्या मैसेज है? पहला मैसेज है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका एक सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलने वाला है। क्लेम करें इस एनर्जी को। आप सही पाथ पर हैं और आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो राइट पाथ है, राइट डायरेक्शन है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए।
हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो किसी ऐसी वुमेन से मिले आने वाले समय में जिसका ब्लॉन्ड या ग्रे कलर या वाइट कलर का हेयर हो। हो सकता है कोई ओल्डर वुमेन हो, या तो आपकी मदर हो सकती है, आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, हो सकता है उनसे आपकी कोई सडन मीटिंग हो। दिसंबर काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है नवंबर दिसंबर तक काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिले। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया है, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। प्रॉब्लम से डरे नहीं किसी भी सिचुएशन में, अगर आप डर रहे हैं तो। अपनी लाइफ से बिल्कुल भी डिससेटिस्फैक्शन अगर आपको है तो इस अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए और ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। सो ये है गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। एक और कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोगों का ये भी हुआ है रिसेंटली कि आपकी कोई इंगेजमेंट टूटी है, या आपकी कोई शादी टूटी है, या आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप या लव अफेयर टूटा है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को हर्ट मत कीजिए, हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। सो ये है गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।